गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये अभी हम कंटिन्यू फ्लावर के साथ ही हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी के साथ। वो प्लेसेंटी क्या होता है? ये वो वाला पार्ट होता है ओवरी का जहाँ से ओव्यूल्स बनते हैं, ठीक है। और वो किसके साथ अटैच रहता है? ओव्यूल्स के साथ, तब तक जब तक ओव्यूल्स मैच्योर नहीं होते हैं, ठीक है। और इसी अरेंजमेंट, इस प्लेसेंटा को हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। प्लेसेंटा कैसे अरेंज है ओव्यूल के अंदर, उसको हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। प्लेसेंटेशन पेराइटल भी हो सकती है, एक्साइल भी हो सकती है, फ्री सेंटर्ड भी हो सकती है, बेसल भी हो सकती है और एपिकल भी हो सकती है। पेराइटल प्लेसेंटेशन क्या होती है? जब प्लेसेंटा जो होता है वो ओवरी वॉल पे होगा, प्लेसेंटा ओवरी वॉल पे होगा या उसके एक्सटेंशंस पे होगा, ठीक है। तो उस टाइम हम उसको बोलते हैं पेराइटल, ठीक है। एक्साइल क्या होता है? एक्साइल वो पोजीशन होती है जब प्लेसेंटा सेंटर में होगा, ठीक है। फ्री सेंटर्ड होता है जब प्लेसेंटा सेंटर कॉलम में होगा और उनमें नॉन पार्टीशन ओवरी होगी। बेसल तब होता है जब सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा ओवरी के बेस पे। एपिकल मीन्स जब सिंगल ओव्यूल एपेक्स पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्लेसेंटेशन हम बता सकते हैं ये मार्जिनल पे हो सकती है, एक्साइल भी हो सकती है, पेराइटल भी हो सकती है, फ्री सेंटर्ड भी हो सकती है और बेसल भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो, हम ओव्यूल्स का अरेंजमेंट देखते हैं ओवरी में कैसा है, मींस प्लेसेंटा का, क्योंकि ओव्यूल्स जो हैं वो प्लेसेंटा के साथ ही अटैच होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। या तो ये मार्जिनल हो सकती है। मार्जिनल में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो कहाँ डेवलप होता है? अलॉन्ग द मार्जिन्स ऑफ द कार्पल। ये देखो, साइड साइड से जब प्लेसेंटा डेवलप, ओव्यूल्स डेवलप होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल, ठीक है। फिर एक्साइल मींस यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूल्स होते हैं मल्टीलोक्यूलर, मींस उसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं और वो कहाँ डेवलप होते हैं? ओवरी के इनर वॉल पे डेवलप होंगे। सेंट्रल एक्सिस पे जब प्लेसेंटा होंगे या ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं एक्साइल, ठीक है। पेराइटल कंडीशन वो होती है जहाँ ओव्यूल्स जो है वो इनर वॉल ऑफ ओवरी पे डेवलप होंगे या पेरीफेरी पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ओवरी इसमें एक ही चैम्बर की होती है, मगर ये बहुत सारे चैम्बर की भी हो सकती है जब इसमें फॉल्स सेप्टम डेवलप होगा। आप क्या याद रखोगे? मार्जिनल में क्या होता है? गायनोशियम जो होता है वो मोनोकार्पलरी होता है, एक ही कार्पल होता है उस पर, और ओवरी यूनिसेल्युलर होती है, एक ही सेल की होती है। यहाँ पे प्लेसेंटा कहाँ डेवलप होता है? मार्जिन्स के अलोंग, ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन वो है जहाँ पे सेंट्रल एक्सिस में डेवलप होते हैं क्या? ओव्यूल्स, ठीक है। दूसरा होता है पेराइटल, यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूल्स जो है वो इनर वॉल पे डेवलप होते हैं, ठीक है। ओवरी एक ही चैम्बर की होती है, बाद में ये बहुत सारे चैम्बर की भी बन सकती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फॉल सेप्टम, ठीक है। फ्री सेंटर्ड क्या होता है? जब ओव्यूल्स जो हैं वो सेंट्रल एक्सिस पे डेवलप होंगे और इसमें बीच में सेप्टा नहीं होंगे, ठीक है, उसको हम फ्री सेंटर बोलते हैं। बेसल मतलब होता है यहाँ प्लेसेंटा जब डेवलप होगा कहाँ पे? प्लेसेंटा मीन्स ओव्यूल्स ना, क्योंकि प्लेसेंटा ओव्यूल्स के साथ ही अटैच होता है। जब वो बेस ऑफ ओवरी पे डेवलप होंगे और एक ही सिंगल ओव्यूल अटैच होगा उसको हम बेसल बोलते हैं। दूसरा होता है सुपरफिशियल, ये एक्साइल प्लेसेंटेशन की तरह होते हैं। यहाँ पे ओव्यूल में जो प्लेसेंटा होता है वो इनर साइड ऑफ पार्टीशन, यहाँ पे पार्टीशन वॉल होता है लॉक। यहाँ पे एक्साइल में क्या होता है? यहाँ पे भी मल्टीलोक्यूल होता है और यहाँ पे भी मल्टीलोक्यूलर ओव्यूल है, लेकिन यहाँ पे बीच में पार्टीशन है, ठीक है ना। यहाँ पार्टीशन वॉल है और यहाँ पे इतना पार्टीशन वॉल नहीं है। एक्साइल में क्या है? यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस होती है और यहाँ सुपरफिशियल में क्या होता है? यहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो इनर सरफेस ऑफ द पार्टीशन वॉल पे डेवलप होते हैं, ठीक है। ये जो पार्टीशन है ना, इन पे ही डेवलप होते हैं जब ओव्यूल्स, उनका हम सुपरफिशियल बोलते हैं, ठीक है। प्लेसेंटेशन आप याद रखोगे मार्जिनल होती है, मार्जिन में जहाँ पे ओव्यूल्स या हम प्लेसेंटा डेवलप होगा कहाँ पे? फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ द कार्पल, ठीक है। एक्साइल वो कंडीशन होती है जहाँ पे मल्टीलोक्यूलर ओव्यूल्स जो हैं वो कहाँ से अराइज होंगे?
इनर वॉल ऑफ द ओवरी पे या पेरीफेरी से, ठीक है फ्री। उसके बाद पेराइटल वो होता है जहाँ ओव्यूल्स इनर पेरीफेरी के आसपास डेवलप होंगे। फ्री सेंटर मतलब होता है जब सेंट्रल एक्सिस पे डेवलप होंगे ओव्यूल्स, ठीक है, और इस पे सेप्टा नहीं होंगे। बेसल होता है वो जब ओवरी बेस से अराइज होगी, ठीक है। ओव्यूल जो है या प्लेसेंटा बेस ऑफ द ओवरी से डेवलप होगा। सुपरफिशियल मीन्स यहाँ पे ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, इन पार्टीशन वॉल्स में डेवलप होंगे, मल्टीलोक्युलर बहुत सारे चैम्बर के ओवरी के, जब उनके पार्टीशन वॉल से डेवलप होंगे ओव्यूल्स तो हम उसको सुपरफिशियल बोलते हैं। ये क्या होती है, प्लेसेंटा, जहाँ पे ओव्यूल्स या प्लेसेंटा का अरेंजमेंट कैसा है ओवरी के अंदर उसको हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। फिर फ्लावर्स को हमने क्लासीफाई कैसे किया है, ये तो कम्प्लीट होता है। कम्प्लीट फ्लावर तब हो जब इसमें चारों बॉल होंगे, सेपल पेटल कैलेक्स करोला, ठीक है। इनकम्प्लीट फ्लावर वो होता है जब एक कोई भी एक सेट एबसेंट होगा, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, उसको हम बाइसेक्चुअल भी बोलते हैं, जहाँ पे दोनों मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यूनिसेक्चुअल फ्लावर वो होता है जहाँ पे एक ही रिप्रोडक्टिव वॉल होता है, या तो वो पिस्टलेट होता है या स्टेमिनेट होता है। पिस्टलेट मींस जहाँ पे एक ही गाइनोशियम प्रेजेंट होगा, और स्टेमिनेट मींस जहाँ एक ही एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। मोनोइशियस कौन सी कंडीशन होती है, जब मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोइशियस, जैसे जिया मेज में। डाइशियस कंडीशन क्या है, जब मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होंगे, जब हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं उसको, तब हम उसको बोलते हैं डायोइशियस, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे ही न्यूट्रल कंडीशन वो होती है जब फ्लावर में ना ही एंड्रोशियम होगा ना गाइनोशियम होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। फ्लावर्स की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है, हर्माफ्रोडाइट हो सकता है, यूनिसेक्चुअल हो सकता है, मोनोइशियस हो सकता है, डायोइशियस हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है, जहाँ ना जहाँ पे एंड्रोशियम हो ना गाइनोशियम हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लावर की क्या सिमेट्री है, या तो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक हो सकता है, या जाइगोमॉर्फिक हो सकता है, या एसिमेट्री हो सकता है। एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर फ्लावर वो होता है जिसके दो इक्वल हाल्स होंगे, ठीक है। किसी भी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में अगर आप उसको काटोगे तो उसके इक्वल हाल्स बनेंगे, उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। जाइगोमॉर्फिक वो कंडीशन होती है जब हम फ्लावर को कट करते हैं एक ही मीडियन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पे, ठीक है, और जो उसके फ्लावर के मेंबर होंगे वो उनके वॉल्स अनइक्वल होंगे, ठीक है, उसको हम जाइगो इरेगुलर फ्लावर बोलते हैं। जब फ्लावर को हम दो इक्वल हाउस में काटते हैं, लेकिन एक ही लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में काटेंगे, लेकिन उनके जो पार्ट होंगे ना फ्लोरल वॉल्स, वो अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एसिमेट्रिकल फ्लावर वो होता है जहाँ पे हम फ्लावर को कट नहीं कर सकते हैं टू इक्वल हाउस में, किसी भी वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, ठीक है। एक्टिनो में क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, जब फ्लावर को हम दो इक्वल हाउस में रेडियल हाउस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक वो कंडीशन है जब हम फ्लावर को डिवाइड करते हैं सिमिलर हाउस में एक ही प्लेन में, वर्टिकुलर प्लेन में, ठीक है। एसिमेट्रिक मीन जब फ्लावर को इक्वल हाउस में नहीं होता है तो उसको हम एसिमेट्रिक कंडीशन बोलते हैं। ये देखो एक्टिनोमॉर्फिक हो गए, फ्लावर को हम जिस भी पोजिशन में काटेंगे तो वो इक्वल हाउस में, यहाँ से काटेंगे इक्वल हाउस, यहाँ से काटेंगे इक्वल हाउस, जा उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। और जाइगोमीन्स एक ही सिमेट्री में वो क्या दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे, अगर हम ऐसे काटेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, अनइक्वल हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। रेगुलर या एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है, इसमें हर एक वॉल एक जैसा होता है। फ्लावर को हम डिवाइड करते हैं रेडियल लॉन्गिट्यूडनल कार्ड्स में जिनके इक्वल हाउस बनते हैं, ठीक है, इक्वल हाउस वाले को हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। जाइगोमॉर्फिक होता है एक ही प्लेन में वो इक्वल हाउस होंगे, एक ही प्लेन में जब इक्वल हाउस में फ्लावर का डिवाइड हो जाएगा उसको हम जाइगो बोलते हैं। और इरेगुलर मीन्स जब कोई भी वर्ल अलाइक नहीं होगा, मीन्स एसिमेट्रिक, यहाँ पे सारे सेगमेंट जो हैं फ्लावर के वो इरेगुलर होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं, हम उसको इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम एसिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स में क्या याद रखेंगे, गेमेटोफाइट जो हैं वो किस में डेवलप हो जाते हैं, फ्लावर्स में।
फ्लावर्स जो होते हैं वो डायस्पोर्स भी बना सकते हैं फर्टिलाइजेशन के बिना। ओ बाद क्या होता है, ओवरी जो होती है फ्लावर के वो फ्रूट बनाते हैं जिसमें सीड होता है, ठीक है। फ्लावर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये नेक्टर प्रोवाइड करता है बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं पोलन एक फ्लावर से दूसरे में। फ्लावर में सेल्फिंग भी होती है, मींस ये इनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है एक ही फ्लावर से, या क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है डिफरेंट फ्लावर से, ठीक है। ये याद रखेंगे, थैंक यू।